आज हम लोग इंटीग्रेशन में, बेटा आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके थे। तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये पूरे का पूरा एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा है इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4x dx। ये एक ऐसा फलन है जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं। इसको 10 to the power 4x को हम लिख सकते हैं 10 square x into dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10 square x, 10 square x को हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपको बेटा याद होगा 1 plus 10 square x इज इक्वल टू sec square x। सेकेंड आइडेंटिटी इसको हम लोग यूज करते थे। तो यहां से अगर हम 10 square x की वैल्यू निकालेंगे तो ये sec square x - 1 आ जाएगी। ओके, तो यहां से ये 10 square x तो लिखा रहने देंगे, इस 10 square x की जगह पर हम नोट कर देंगे sec square x - 1 मल्टीप्लाइड बाई dx। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी करिए और अलग अलग कर दीजिए इससे। तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा 10 square x इंटू sec square x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 square x को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 square x into dx। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे मैं लिख सकता हूं 10 square x को हम लिख सकते हैं 10x whole square इंटू sec square x into dx माइनस, एक बार फिर बेटा इस 10 square x, क्योंकि 10 square x का डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास नहीं है, इसलिए 10 square x को फिर से हम sec square x - 1 लिख देते हैं। sec square x - 1 dx। अच्छा, तब तक इस टर्म को सॉल्व करने के लिए, इस टर्म के सॉल्यूशन के लिए हम 10x = t मान लेते हैं। 10x = t, आप जैसे ही 10x = t मानेंगे, दोनों पक्षों का आपको अवकलन करना होगा। अवकलन करने पर 10x का अवकलन क्या होगा, तो 10x का अवकलन होगा sec square x और साथ में dx = dt इस टर्म के लिए। इसके लिए मुझे कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। अब रख दीजिए वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ, सभी बच्चे ध्यान से देखें, 10x की जगह मुझे क्या लिखना है, t, तो t लिखेंगे और t स्क्वेयर कर देंगे। तो यहां पर बन गया t² into sec² x dx, sec² x dx की जगह पर dt आ जाएगा, dt। तो ये t² into dt माइनस, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हमने किया sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, फिर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx केवल बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसमें बेटा x^n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t^3/3 माइनस sec² x का इंटीग्रल, ये आएगा 10x प्लस dx का x प्लस c। t की जगह पर हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, 10x लिख देंगे, तो 10x का पावर 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 10³x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 16 में 1/3 टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा जवाब होगा। तो इस तरह से आप 16 नंबर सॉल्व करेंगे। और आपने देखा कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ऐसे पहले हमने तोड़ दिया इसको, फिर इसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई करवाया, इस टर्म में टेन एक्स को टी मान के कैलकुलेट कर दिया और इसमें फिर से ये आइडेंटिटी का यूज किया और टर्म को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया। बड़ी आसानी से आ गया। देखिए तो ये हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है काफी। आप देखें सभी बच्चे 17th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी, इसको बेटा क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में केवल एक सिंगल टर्म है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कैसे कर देंगे, हम इसको अलग ऐसे कर देंगे कि ये साइन क्यूब एक्स अपॉन, इसके नीचे भी ये लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इस तरह से अब इसमें से थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर साइन स्क्वेयर एक्स है, यहां साइन क्यूब एक्स है, इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें एक साइन एक्स बचेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया साइन एक्स और यहां पर क्या बचेगा, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहां कॉस स्क्वेयर एक्स बचेगा। कॉस स्क्वेयर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स था ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स फिर से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस सिमिलरली यहां पर भी इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कॉस एक्स बचेगा और अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस साइन एक्स के साथ ये कॉस एक्स ले लीजिए, ये कॉस एक्स अलग हो गया, वन अपॉन कॉस एक्स, ये वन अपॉन कॉस एक्स हो गया सेक एक्स डी एक्स, सॉरी वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये टेन एक्स बन गया मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसी तरह से इस कॉस एक्स को आप इस साइन एक्स के साथ कर लीजिए, तो यहां पे वन अपॉन साइन एक्स बचा, वन अपॉन साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, वन अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। अब इनको ध्यान से देखें बेटा, इनके तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो आंसर है इसका इंटीग्रल तो होता है sec x प्लस cosec x इंटू cot x का क्या होता है, तो cosec x इंटू cot x का होता है माइनस cosec x, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस cosec x प्लस c। इस तरह से ये हमारा जवाब हो जाएगा, sec x माइनस cosec x प्लस c, ये 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब और चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 18th नंबर क्वेश्चन पे है बेटा, cos 2x
प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा फंक्शन है और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, बहुत आसान है बेटा, आप थोड़ा सा याद करें, कॉस टू एक्स के कुछ फॉर्मूले होते थे, उनमें से एक फॉर्मूला यह भी होता था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही फॉर्मूला कॉस टू एक्स की जगह पर रखूंगा, तो कॉस टू एक्स जहां पर है वहां उसको लिख देंगे, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कॉस टू एक्स की जगह पर आया, आगे चले तो प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने वही नोट कर लिया पूरा, और अपॉन में यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर मुझे मिल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अच्छा, ये माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स आप देख सकते हैं बेटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचा उसमें से आप देख सकते हैं कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यू ऑल नो वेरी वेल दैट इट इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एंड वॉट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सो द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विल बी टेन एक्स, टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने सॉल्व कर लिया, आप देख रहे हैं बेटा कितनी इजी क्वेश्चन है। और ये भी देखते जाइए कि हमने कौन सी आइडेंटिटी का यहां पर यूज किया, हमने जो आइडेंटिटी यूज की है दैट इज देयर cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x, this is the identity which I have used here. Okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. So let's move to the next question, and the next question is question number 19. जैसा कि आप सभी students को मालूम है कि हमारी इस exercise में total 24 questions हैं, और इस समय हम 19th question पे आ चुके हैं, जिसको जो कि है हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ऐसा। यहां पर हम एक काम कर लेते हैं बेटा, ये जो 1 आप देख रहे हैं, आपको एक आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से सब बच्चों को याद होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो जिस तरह से हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर वन लिख सकते हैं, तो आज हम वन की जगह पे ये फंक्शन भी तो लिख सकते हैं, तो हम इस वन की जगह पे ये लिखेंगे पूरा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से आप देखें, न्यूमरेटर में दो टर्म है और डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है, हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आप देखें, सबसे पहले हम लेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इस तरह से डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, साइन एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक साइन एक्स यहां बचेगा, तो एक साइन एक्स बच गया यहां ऊपर, और बटे में क्या बचेगा, कॉस क्यूब एक्स बचा, कॉस क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, आप मल्टीप्लाई करवाइए, इट इज अगेन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से इसकी एक दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, यहां पर आप देखेंगे
कि आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से ये आपकी इसकी सेकेंड टर्म हो गई। अब आप और देखिए बेटा, ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आप देख रहे हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हम इसे टेन एक्स लिख देते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है ना, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो आप देख रहे हैं ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ओके अच्छा, प्लस यहां पर वन दिखाई दे रहा है, मैं एक काम फिर से कर देता हूं बेटा कि इस वन की जगह में फिर से इस आइडेंटिटी की हेल्प से वन की जगह पर इसको मैं लिख देता हूं। तो वन की जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। वन की जगह पे फिर से हमने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब और आगे देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ, इस टर्म के लिए तो बेटा हम एक काम करेंगे कि टेन एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। इस टर्म के कैलकुलेशन के लिए मैं यही लिख देता हूं, माना टेन एक्स बराबर टी, तो उसके बाद हम इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, सेक टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट टर्म, केवल इसके लिए है, इसको हम सेपरेट करना चाहेंगे तो इस पे वैल्यू तब तक अप्लाई करिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, देखो टी लिख देंगे, तो टेन एक्स की जगह हमने टी लिख दिया इंटू सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, डी टी। तो ये हो जाएगा टी इंटू डी टी, प्लस इसको आप फिर से अलग अलग कर दो, तो साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके अच्छा, अब टी डी टी को इंटीग्रेट करना है, क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब बेटा यहां पर मैं फॉर्मूला जो अप्लाई करने जा रहा हूं, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला, आप देखिए यहां पर मैं पावर में वन लिख सकता हूं, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इंटीग्रेशन इज एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो इट विल बिकम टी टू दी पावर एन प्लस वन मीन्स वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन टू, प्लस आप यहां पर देखें साइन एक्स से इसका एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स ऊपर बचा, वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो वो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, टी स्क्वेयर बाई टू, टी की जगह बेटा वैल्यू अप्लाई कर देंगे, टेन एक्स लिख देंगे टी की जगह पर, तो टेन एक्स लिख देंगे, टेन एक्स का होल स्क्वेयर करेंगे तो टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, प्लस टेन एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है। आपको बेटा बताए गए थे टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं लॉग सेक एक्स, प्लस कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन बेटा करके दिखाया गया था आपको, इसका फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से आप देखें ये वन बाई टू टेन स्क्वेयर एक्स, प्लस आप चाहें तो यहां पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, एम इंटू एन मीन्स साइन एक्स इंटू
sec x plus c m into n 1 by 2 tan square x plus, इसे बेटा हम लिख सकते हैं sin x upon sec x को मैं लिख सकता हूं 1 upon cos x plus c, ओके अच्छा अब 1 by 2 tan square x plus log sin x upon cos x, ये बन जाएगा tan x plus c। इस तरह से बेटा आप देखिए कि ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है और ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज नहीं की है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर आया 1 by 2 tan square x plus log tan x plus c, दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर हमने कौन सा रूल लगाया, log m plus log n। आप देखें मैं लिख देता हूं, लॉगरिथम का ये एक फॉर्मूला है, log m plus log n, बेस कोई भी हो लेकिन फिर दोनों जगह सेम हो। अगर बेस e है तो log m to the base e plus log n to the base e will become log m into n to the base e, इस तरह से ये वाला रूल हमने यहां पर अप्लाई किया हुआ है और दो जगह ये वाली आइडेंटिटी भी हमने यूज की है क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो आप देख लें, इसको नोट भी कर लें और आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो अब मैं इसके रीज कर देता हूं, आप सभी लोग इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 था ये, 19 के बाद और आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखें बेटा 20 नंबर पे हमारा एक फंक्शन है cos 2x upon cos x plus sin x whole square, इसको इंटीग्रेट करना है मुझको, cos 2x upon cos x plus sin x whole square dx, this is the function which I have to integrate, okay? अच्छा एक काम कर देते हैं बेटा, ध्यान से सभी बच्चे देखें, आपको याद होगा cos 2x के कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उन cos 2x के फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला आपने देखा होगा cos square x माइनस sin square x भी होता है, और भी फॉर्मूले बहुत सारे cos 2x के हैं, बट देयर इज वन फेमस फॉर्मूला cos square x माइनस sin square x। सो इन प्लेस ऑफ दिस cos 2x आई विल पुट cos square x माइनस sin square x, cos square x माइनस sin square x अपॉन, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी हुई है cos x plus sin x का होल स्क्वेयर इंटू dx, इसको हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। यहां पर एक चीज देख सकते हैं आप, cos square x माइनस sin square x है बेटा, यहां पर ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, यहां पर भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो कॉस एक्स को मैं ए मान लेता हूं, साइन एक्स को बी, तो कॉस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया। अब इस पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये जो आप देख रहे हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं इंटू डी एक्स। अब फिर से ध्यान से देखें सभी बच्चे, cos x plus sin x यहां भी है, cos x plus sin x बेटा यहां पर भी है, फर्क इतना है कि नीचे जो cos x plus sin x है उसमें पावर 2 लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी एक पावर बचेगी, एक पावर बचेगी तो आ जाएगा cos x minus sin x upon, यहां पर बच जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा,
तो बेटा मैं इसको लिख लेता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बात तो सेम है बिल्कुल कि हम चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखें या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखें, बोथ आर सेम। एक चीज देख सकते हैं बेटा, आप डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करिए कितना आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा माइनस साइन एक्स। तो इसका कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, इसका अवकल गुणांक हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और ध्यान से देखें बेटा, न्यूमरेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो लिखा हुआ है। अब याद करिए, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं इंटीग्रेशन के एक फॉर्मूले की, एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कि कभी ऐसे दिखे कि नीचे जो फलन हो ऊपर उसी का अवकलन अगर लिखा हो, तो आप उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लॉग फलन प्लस सी। ये आप फॉर्मूला इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आज मैं टी नहीं मान रहा हूं, मैं इसी से आपको करके दिखा दूंगा। आप ध्यान से देखें, नीचे जो फलन है ऊपर उसी का अवकलन लिखा है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या लग जाएगा? लॉग फलन प्लस सी, फलन की जगह पे क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बस ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो दो तीन लाइन खर्च करके आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पहले टी मानिए, फिर दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए, अवकलन करने के बाद यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर बेटा इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसके लिए मैं इससे पहले के लेक्चर्स में भी कई बार ये जिक्र कर चुका हूं कि आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज्यादा हमारा क्वेश्चन भी लॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो मैंने बेसिक भी आपको बताए हैं, आपको ये शॉर्टकट भी मैंने बताए हैं, तो इनसे भी करना सीखे कभी कभी। या तो मैंने दूसरा मेथड क्या बताया, या तो आप इसको टी मानिए और उसके बाद सॉल्यूशन करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में फिर से एक बार मैं आपको इसका रिमाइंड करा देता हूं इसको, कि आपने कौन कौन सी आइडेंटिटीज यहां पर यूज की है। यहां पर बेटा आपने एक आइडेंटिटी तो ये यूज की, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सेकंड आपने यूज किया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, और एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपने यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x अपॉन fx dx, वेयर f प्राइम x इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x। तो जब भी कभी इस तरीके का मिले नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, तो आपका आंसर होगा log फलन, log फलन प्लस c, दिस इज आवर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन पे है साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज अवर क्वेश्चन, और इसे हमको सॉल्व करना है। बेटा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी आपको याद दिलाता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आती है आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आइडेंटिटी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, मुझे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां से देखकर बताइए सभी लोग, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अच्छा, तो मैं इसी आइडेंटिटी का यहां पर यूज करने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ी देर के लिए मैं अपने इस cos x को ना x मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए अपने इस cos x को मैं x मान लेता हूं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? sin इनवर्स x। अब sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स x, तो पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स x, तो जो यहां पर होता है वही तो यहां वैल्यू लिखी जाती है।
लेकिन इस क्वेश्चन में तो साइन इनवर्स यहां पर कॉस एक्स है, वही वैल्यू मैं यहां पर लिख दूंगा। तो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या था, कॉस एक्स, वही मैंने यहां पर लिख दिया, ये इंटीग्रेशन। ओके अच्छा, अब दो टर्म्स आ गए हैं, दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू इंटू डी एक्स, जिसमें पाई बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है, तो मैं इसको पहले ही बाहर कर लेता हूं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने सबने पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, सो प्लीज रिमेंबर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स विल बी एक्स ओनली। याद आ रहा होगा अब आप दो लोगों को, या आप मत ध्यान दीजिए कि इसका डोमेन क्या है, इसका क्या है, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल यहां पे। तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू आपकी x के बराबर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये लिखना चाहिए था, बट इसकी वैल्यू x के बराबर है, तो मैंने x लिख दिया इंटू डी एक्स। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे x आता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, x का इंटीग्रल होता है x स्क्वेयर बाई टू प्लस c। कैसे, इसमें x टू दी पावर 1 मान लीजिए और x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ओके बस यही हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 नंबर क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे आप कर लेंगे। और कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज किया, एक तो ये लगी आइडेंटिटीज में और एक इस फॉर्मूले का भी हमने यूज किया हुआ है। आप देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आप सब पढ़े हुए हैं, क्लास 11th में ही आती है ये तो। अच्छा, इसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, और 22 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये बेटा फलन है 22 नंबर क्वेश्चन पे और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, ये एक जो क्वेश्चन है इसमें बेटा थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी शुरुआती, जिसका जो इनिशियल पोर्शन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब यहां दोनों जगह पर cos x माइनस ए cos x माइनस बी होगा, दोनों जगह पर cos होगा, तो आप इसमें एक छोटे से नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो छोटा सा नंबर जो होगा वो होगा sin a माइनस बी। आप ऐसा कराकर अपने क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई भी मेथड थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए। तो मैंने साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाया डिनोमिनेटर में और उसके साथ साइन ए माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करवाया न्यूमेरेटर में, और अपॉन में जो आप इसको देख रहे हैं ये ऐसा ही बना रहेगा, कॉस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब क्योंकि साइन ए माइनस बी में कहीं पर भी एक्स मौजूद नहीं है, इसलिए पूरी तरीके से कैसा नंबर है, कॉन्स्टेंट, तो हमने बाहर भी कर लिया। तो फिर इसको बाहर क्यों नहीं किया, इसकी मुझे जरूरत है इसलिए मैंने अंदर कर दिया इसको। अब वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं और आप भी उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। चेक करिए सभी बच्चे तब तक इसको कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस बी, मैं करके दिखा देता हूं, दिस इज x माइनस बी, माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो x माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा,
एक्स माइनस ए प्लस, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, क्या बन गया ए माइनस बी। तो हमने साइन की जगह साइन और ए माइनस बी की ही जगह तो बेटा इसको लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी की जगह हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। अच्छा, ऐसा करने से हमारा काम और भी आसान हो गया। दिस इज साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं लिख देता हूं, अगर आपको नहीं भी याद है सो डोंट वरी, मैं उस फॉर्मूले को ही लिख देता हूं सीधे यहां पर कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। यहां पर मैं यूज करने जा रहा हूं साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, ये फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो ये हमारा एक्स की जगह पर है और ये पूरा वाई की जगह पर है। अब अप्लाई करिए, तो साइन एक्स कॉस वाई मीन्स साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, माइनस साइन लगा दिया, फिर कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। अब इसको भी लेना है हमको अपॉन में, अपॉन में लेने के बाद फिर मैं अलग अलग भी करूंगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यहां पर अलग अलग कर देता हूं। ओके, इसके नीचे भी मैं इसको लिखूंगा और इसके नीचे भी मैं इसको लिख दूंगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहां पर भी कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और उसके साथ में ये डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, वन अपॉन साइन ए माइनस बी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखे बेटा, यहां पर कॉस एक्स माइनस ए और ये भी कॉस एक्स माइनस ए है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल हो पाएगा क्योंकि यहां साइन और यहां कॉस है। हाँ, लेकिन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये टेन एक्स माइनस बी जरूर बन जाएगा। माइनस यहां पर आप देखें कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ये बन गया टेन एक्स माइनस ए। इस तरह से ये हमारा अब बच गया फंक्शन। ओके, अच्छा, अब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। अब हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज एक बार इसको इसके इसके साथ अलग करते, फिर माइनस इसको इसके साथ अलग करते, तो हम अलग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रल याद करिए बेटा क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स। तो टेन एक्स माइनस बी का क्या होगा, टेन एक्स माइनस बी का होगा लॉग सेक एक्स माइनस बी। और हाँ, आप एक चीज सोच सकते हैं कि सर हमको तो टेन एक्स का फॉर्मूला पता है, पर आप तो टेन एक्स माइनस बी में लगाए दे रहे हैं। हाँ, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इससे, अगर एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता तो हम उसको भाग में लिख देते, लेकिन आप चाहें तो एक तरीका यूज कर सकते हैं x माइनस बी को t मानकर करने का, उस समय आपको इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए x माइनस बी इज इक्वल टू t लेना पड़ेगा, इसको करने के लिए x माइनस ए इज इक्वल टू t लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन में, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान केवल आप रखें, जब भी इस तरीके से जल्दी से आप करना चाहें, एक बात का ख्याल रखें कि क्या x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में या डिवाइड में है, अगर है तो उसका सेटलमेंट करना मत भूलें, अगर गुणा में हो तो भाग में लिख दें बाद में, अगर भाग में है तो गुणा में लिख दें बाद में, और ऐसा करना
पिछले भी लेक्चर्स में कई क्वेश्चंस को हमने ऐसा किया हुआ है। ओके, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई नंबर माइनस में या प्लस में है उससे हमारे आंसर को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस डी से हमारे आंसर को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम टेन एक्स की जगह लॉग सेक एक्स यूज कर सकते हैं। माइनस टेन एक्स माइनस ही सिमिलर फॉर्मूला, माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए, ये मैं यहां पर लिख देता हूं साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस से आप देख सकते हैं वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए। अच्छा, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां देखें बेटा लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा। अभी हमने ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ था, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। आप देखें, मैं दोबारा लिख देता हूं, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो एम की जगह ये है, एन की जगह पर ये है, हम लिख सकते हैं लॉग sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस सी। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने पूरे फंक्शन को कैसे बढ़िया बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग पोजीशन इसकी कि जब दोनों जगह कॉस ही कॉस है तो साइन ए माइनस बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा कर लेने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और कोई भी मैथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। और इस तरीके से आप देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, दैट इट इज वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेक को कॉस में चेंज करिए, आपका सेम आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं नहीं कर रहा हूं, इतना छोटा सा काम आप कर सकते हैं। हाँ, इससे आगे चलने से पहले एक बार याद जरूर दिला दूंगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज की है, इस क्वेश्चन में यूज की है। एक तो साइन एक्स माइनस वाई यूज हुई है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और एक लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन का यूज भी हुआ है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहा। अब 22 से और आगे चलते हैं, तो जो 23 और 24 नंबर क्वेश्चन है ये बेटा आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे लगेगा। बहुत इजी है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ओके, यहां इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, बेटा ये बन जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस ये वन अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स, ये बन जाएगा कॉसिक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप सबको बेटा इसके फॉर्मूले याद होंगे। इसका फॉर्मूला सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था जब आप करेंगे, तो सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, माइनस लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। तो एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस कॉट एक्स और यहां आ जाएगा प्लस सी,
इस तरह से आप देखेंगे tan x माइनस साइन माइनस प्लस cot x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब क्योंकि ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो मैच करिए, पहला ऑप्शन लिखा है tan x प्लस cot x प्लस सी, ओ हमारा आंसर भी तो tan x प्लस cot x प्लस सी है, तो बस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, वो भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन ही है, देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया आपने। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e टू द पावर x into x। देख लेते हैं सॉल्व करके, बेहद आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x into 1 प्लस e टू द पावर x, नो सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन है e टू द पावर x into 1 प्लस x dx अपॉन cos स्क्वायर x into e to the power x, ये क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x 1 plus x dx upon cos square e to the power x into x, ठीक, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर कितना है x into e to the power x, इसको हम t मान लेते हैं। So let x into e to the power x is equal to t, ओके? अच्छा, अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इसमें बेटा आप देखें ये और ये दो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोनों गुणा में हैं, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक का सूत्र लगाएंगे यहां पर, ओके? मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स है और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन को हम ऐसा ही लिख देंगे, इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वन होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों में आप देख सकते हैं ई टू द पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, या वन प्लस एक्स भी हम लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बस इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम फिर से अपने इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर x इंटू e टू द पावर x, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। अब आप गौर से सभी बच्चे देखें, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस x डी एक्स, इस पूरे को हम हटाएंगे और इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह में लिख सकता हूं dt अपॉन, इसको मैंने लिखा cos स्क्वायर और x इंटू e टू द पावर x, x इंटू e टू द पावर x, इसको हम लिख देंगे t। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके, अब dt अपॉन cos स्क्वायर t, हम इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स टी इंटू डी टी, हमने इसको इस तरह से लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी कर दिया हमने। अच्छा, अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल आप सभी को पता होगा क्या होता है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर टी का टेन टी प्लस सी। अब t की जगह आपको ये वैल्यू अप्लाई कर देनी है, तो t की जगह जब आप वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो tan और t की जगह पर x e टू द पावर x प्लस सी, बस ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको
मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें माइनस कॉट ई इंटू एक्स टू दी पावर एक्स प्लस सी, ऐसा तो नहीं है, कॉट ही नहीं है मेरे क्वेश्चन में, टेन है। टेन वाले यहां पर केवल दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, एक बी और एक सी, जिसमें से जो सी पार्ट है उसमें तो टेन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी है, टेन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये एक्स नहीं है तो सी पार्ट भी हमारा सवाल ऑप्शन सही नहीं है। अब बी को चेक करके देख लें आप, टेन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, टेन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, बस ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने जो इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज आपकी 7.3 थी उसका लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर, ओ आई हैव नॉट रिटन हियर नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, और इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 आपकी कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे जो एक्सरसाइज हमारी होगी 7.4 एक्सरसाइज, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा, पर अपने अगली क्लास में उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो आज तक हम इतना ही रख लेते हैं, आप जरूर इन सवालों को प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपसे कहीं पर भी कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी मत होने पाए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर पे। धन्यवाद।